हेलो फ्रेंड, देसी कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ 10 सेंटेंसेज, काफ़ी यूजफुल होंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो 10 सेंटेंस हैं ये सारे के सारे रॉन्ग हैं, और मिस्टेक कहाँ पर है सेंटेंस में ये पता लगाना है, और मिस्टेक का रीजन देखना है कि किस वजह से ये रॉन्ग है और किस तरह से हमारा ये सही हो सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन रीजन फॉर योर करेक्शन, यानी कि आपने जो रीजन देना होगा कि ये सेंटेंस जो रॉन्ग है तो इसका कारण क्या है ना। तो आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है हर एडवाइसेस वर वेरी वाइस। तो यहाँ पर देखिए जो पहला सेंटेंस है हर एडवाइसेस वर वेरी वाइस, तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है, तो हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट है हर एडवाइसेस और यहाँ पर हमारी एडजुलरी वर्ब यूज हुई है वर, और जो हमारा सब्जेक्ट है ये है प्लूरल, लेकिन यहाँ पर जो एडवाइस है आपका नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट है आइदर नाउन और प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट है आपका नाउन और नाउन जो है ये आपका एडवाइस ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और इसे हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ पर जो एस लगा हुआ है इसको हमें अमिट करना होगा और तब ये हो जाएगा सेंटेंस हर एडवाइस वाज वेरी वाइज। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट का। चलिए सेकेंड देखें, यू वाज द फर्स्ट टू डू इट। सेकेंड सेंटेंस है यू वाज द फर्स्ट टू डू इट। तो यहाँ पर सिंपल सी मिस्टेक है हमें दिखाई दे रही है कि यू आपका नॉमिनल नॉमिनेटिव केस है, प्रोनाउन है यू, पर्सनल प्रोनाउन, और यू आपका यूज किया जाता है प्लूरल एडजुलरी वर्ब के साथ, यानी इसके साथ प्लूरल एडजुलरी वर्ब यूज होगी। तो यहाँ हो जाएगा यू वर द फर्स्ट टू डू इट, तो ये यहाँ पर मिस्टेक है। चलिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं, द क्लास वाजेंट एबल टू एग्री। सब्जेक्ट है आपका द क्लास वाजेंट एबल टू एग्री, तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है देखें कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा द क्लास, तो क्लास का मतलब यह कक्षा से है, लेकिन कक्षा के स्टूडेंट से है, किससे है, स्टूडेंट से। ओके, तो क्लास एग्री नहीं होती, नहीं हो सकी, यानी क्लास नहीं होती, क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो होते हैं, और स्टूडेंट एक स्टूडेंट से क्लास नहीं बनती, और है ना। तो यहाँ हो जाएगा द क्लास वरंट एबल टू एग्री, तो यहाँ पर आपका वाई की जगह पर वर नॉट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव मैनी वर्क्स टू डू दिस मॉर्निंग। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पर हम देखें हमारा जो नाउन है वर्क है ना, तो वर्क आपका नाउन है, और कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को सबसे पहले तो हम प्लूरल नहीं बना सकते, याद रखिए प्लूरल नहीं बना सकते, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैनी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इंस्टीड भी हम इस यहाँ पर यूज करेंगे मच का। तो यहाँ हो जाएगा सेंटेंस करेक्ट, आई हैव मच वर्क टू डू दिस मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका फाइव, द थंडर्स एंड लाइटनिंग्स फ्राइटेंड द लिटिल गर्ल। द थंडर्स एंड फ्राइटनिंग्स सॉरी थंडर्स एंड लाइटनिंग्स फ्राइटेंड द लिटिल गर्ल, तो यहाँ पर जो हमारे नाउन यूज हुए हैं थंडर्स एंड लाइटनिंग्स, यहाँ पर ये प्लूरल हैं, तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, क्योंकि थंडर्स एंड लाइटनिंग्स प्लूरल नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है ये भी, तो यहाँ पर भी हमें एस को अमिट करना होगा, तो ये हो जाएगा द थंडर एंड लाइटनिंग फ्राइटेंड द लिटिल गर्ल। ओके, नेक्स्ट है सिक्स नंबर में, आई हैव मोर देन टू डजन ऑफ बुक्स एट होम। अब ये सामान्यतः आप देखेंगे आपको ऐसा लग रहा होगा करेक्ट है सेंटेंस, लेकिन फिर भी हम मिस्टेक है। चलिए देखते हैं कहाँ पर है, आई हैव मोर देन टू डजन ऑफ बुक्स। तो जब भी हम डजन का प्रयोग करते हैं तो याद रखिए कि डजन मीन्स ए डजन है ना, ए डजन, यदि हम नॉर्मल डजन बोलेंगे तो क्या होता है अ डजन, और डजन कितने से बनता है, ट्वेल्व से, यानी जब भी हमारे पास कोई चीज़ 12 में हो तो वो डजन हो जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू बाई, आई वुड लाइक टू बाई अ डजन एग्स है ना। तो याद रखिए कि डजन के बाद जो नाउन है वो प्लूरल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डजन को प्लूरल नहीं बना सकते। हाँ बना सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि बन नहीं सकता, लेकिन आइए इस डिटेल में देख लेते हैं कि डजन एंड डजन के बाद नाउन सीधा है ना, एक तो फॉर्मेशन ये होता है डजन के बाद सीधा नाउन,
और एक फॉर्मेशन होता है कि आप डजन और डजन के बाद ऑफ प्रपोजिशन और इसके बाद नाउन प्लूरल, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डजन के बाद यदि सीधा नाउन प्रयोग किया जाएगा तो डजन हमेशा सिंगुलर रहता है। और यहाँ पर हम देखें अपना ये डजन है, डजन के बाद ऑफ का यूज हुआ है तो ये करेक्ट लिखा है, लेकिन इससे पहले जो टू लगा हुआ है ना, ये इसकी वजह से ये मिस्टेक है, याद रखिए कि डजन ऑफ हो सकता है, करेक्ट है डजन ऑफ हो सकता है, लेकिन डजन ऑफ तब होता है जब इससे पहले कोई न्यूमेरिकल नंबर ना लगा हो, तो याद रखिए यदि न्यूमेरिकल नंबर लग जाएगा तो फिर यहाँ पर ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं ही हो सकता है, ये रॉन्ग हो रहा, तो ये करेक्ट हो जाएगा आई है मोर देन टू डजन बुक्स, तो यहाँ पर जो डजन है उससे एस हटाना हो रहा और ऑफ प्रपोजिशन भी यहाँ से हमें हटाना हो रहा, तभी ये सेंटेंस करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है द पुअर से दैट रिचेस डज नॉट मेक ए मैन हैप्पी, तो यहाँ पर मिस्टेक देखें कहाँ कहाँ मिस्टेक है। सबसे पहले द पुअर्स ये मिस्टेक हो रही, क्योंकि पुअर आपका किसी भी एडजेक्टिव से पहले यदि आप द आर्टिकल का यूज कर दें तो डेफिनेटली ये पूरे होल यूरोप को इंडिकेट करता है, तो नॉर्मली ये प्लूरल हो जाता है, इसमें हमें एस लगाने की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ से हमें एस को अमिट करना होगा, तो ये हो जाएगा द पुअर से, है ना, पुअर से एस हट जाएगा। आगे देखें दैट रिचेस डज नॉट मेक ए मैन हैप्पी, तो रिचेस जो आपका नाउन है ये आपका प्लूरल नाउन है और यहाँ पर डज नॉट के बजाय डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा, तो ये सेंटेंस हो जाएगा द पुअर से दैट रिचेस डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस है सी वेटेड एट द टर्मिनल फॉर हर लगेजेस, सी वेटेड एट द टर्मिनल फॉर हर लगेजेस, तो यहाँ पर नाउन में मिस्टेक है, देखें कि लगेजेस आपका क्या है, नाउन है, कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है और इसी यहाँ पर बना हुआ है ये प्लूरल, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि आपके अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से हम अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते, तो ये हो जाएगा आपका सी वेटेड एट द टर्मिनल फॉर हर लगेज। नेक्स्ट है सेंटेंस यू शुड गो एंड हैव योर हेयर कट, दे आर टू लॉन्ग, तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है ये पॉजिटिव यूज है हैव का, तो यू शुड गो आपको जाना चाहिए एंड हैव योर हेयर कट और अपने बाल कटवाने चाहिए, ये बहुत बड़े हैं, तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है, तो यहाँ देखें जो हेयर है आपका हेयर मीन्स बाल, तो यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन है और इससे पहले हम यहाँ पर इसे प्लूरल नहीं बना सकते, याद रखिए सिंपल सा कि हियर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, हियर से एस को हमें अमिट करना होगा। नेक्स्ट है लास्ट सेंटेंस आई एम वेटिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस मैटर, तो सिंपल है कि यहाँ पर सेंटेंस में जो हमारा नाउन है ये इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पर इसे प्लूरल नहीं बना सकते, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा आई एम वेटिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन से एस कमेंट करना है अबाउट द मैटर। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, पहली बार चैनल पर आए हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।